बच्चों, कैसे हो आप लोग? चलिए हम लोग क्लास में एक बार फिर से मिलते हैं। आज जो है हम आप पढ़ेंगे बारूद एवं भाप युग। चलिए इसमें सबसे पहले हम आपको बारूद के बारे में कुछ बताएंगे, फिर भाप के बारे में, ठीक? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बारूद का आविष्कार, बारूद जो है, बारूद को सभी लोग जानते हैं, वही बारूद जिसके बनाए गए पटाखे से हम लोग दिवाली मनाते हैं, वही है बारूद। वो बारूद कैसे कैसे किस प्रकार हथियार के रूप में परिवर्तित हो गया, इसके बारे में हम लोग इसमें थोड़ा से जानेंगे। सामान्य जानकारी हम लोग बारूद एवं भाप युग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, बारूद का आविष्कार बच्चों रोजर बेकन ने किया था, वो भी 1249 ईस्वी में। 1249 का मतलब होता है 13वीं शताब्दी में, ठीक है? देखिए 13वीं शताब्दी में बारूद का आविष्कार हो गया, लेकिन हथियारों के रूप में जो प्रयोग हुआ वो 14वीं शताब्दी के बाद प्रारंभ हुआ, ठीक है? लेकिन जब खोज हुई तो उनका जो वास्तव में जो प्रारंभ में प्रयोग किया गया, आतिशबाजी एवं पटाखों के रूप में प्रारंभ हुआ, ठीक है? बाकी 14वीं शताब्दी में ये अग्नेय अस्त्रों के रूप में प्रयोग किया गया। अग्नेय अस्त्रों का मतलब होता है आग उगलने वाले हथियारों के रूप में। और आग उगलने वाले हथियार पहले बनाए कौन कौन से गए? मस्केट, तोप, पिस्टल, ठीक है? मस्केट, तोप, पिस्टल। तो बारूद का मतलब ही है आग उगलने वाला हथियार, या अग्नेय अस्त्र बोला जाता है। अग्नेय अस्त्र, अस्त्र आप लोग जानते ही हैं, अस्त्र का मतलब होता है आक्रामक हथियार। तो आग उगलते हुए जो आक्रमण करे वही है अग्नेय अस्त्र। और अग्नेय अस्त्रों की खोज या अग्नेय अस्त्रों का प्रयोग या अग्नेय अस्त्रों का निर्माण, वो जो है बारूद की खोज के 100 ईयर यानी 100 वर्षों बाद प्रारंभ हुई। जबकि उसके पहले हम लोग 100 वर्षों तक केवल क्या किए बारूद को? केवल दिवाली मनाते रहे, पटाखे दगाते रहे, ठीक है बच्चों? और इसका जो प्रारंभिक प्रयोग हुआ वो घेरेबंदी की युद्ध कला में हुआ, जिसे कि किले की दीवारों में लगाकर किले की दीवारों को उड़ाने के लिए प्रयोग किया गया। जैसे कहते हैं ना, बारूद लगा के उड़ा दिया जाए, बम लगा के उड़ा दिया जाए, तो सबसे पहला जो प्रयोग हुआ था वो सिर्फ बारूद का प्रयोग किले की दीवारों को तोड़ने के लिए किया गया था, ठीक है? इसके बाद जो है अब इसी बारूद को नलियों से होकर फेंकने के लिए बनाया गया, यानी नलियों में प्रज्वलित करके नली के द्वारा आगे फेंकने के लिए। तो वही नली के द्वारा जो फेंकने की कला प्रारंभ हुई वही है हमारा क्रमशः मस्केट, यानी छोटी तोप जिसे हम लोग कह सकते थे उस समय के लिहाज से, ठीक है? अब बाकी मुख्य तोप तो ये है ही, उसके बाद पिस्टल, ये तीन चीज़ें हैं, मस्केट, तोप और पिस्टल, ये बारूद के प्रयोग द्वारा इन सभी अग्नेय अस्त्रों का निर्माण किया गया, ठीक है बच्चों? आज भी आप लोग देखते हैं बंदूकें जो है आग ही तो उगलती हैं, भले उसमें पहले ये था कि जो बारूद वाली बंदूकें हुई थी शुरुआत में जो ये मस्केट है तो इसमें जो है बारूद ठोंक ठोंक के भरा जाता था। जैसे बच्चों आज भी आप लोगों के घरों में कुछ लोगों के हो सकता है जो पुराने जो अमीर लोग रहे हों, संपन्न लोग हों, उन लोगों के घर में एक ऐसी गन होगी जिसमें ठोंक ठोंक के बारूद भरी जाती है, जिसका प्रयोग आज कहीं चिड़िया मारने के लिए करते हैं या फिर ऐसे कुछ, ठीक है? तो वही बंदूक जो है उसी का एक रूप था जो प्रारंभिक बंदूक है मस्केट, उस समय बारूद उसमें ठोंक ठोंक के भरा जाता था, ठीक है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हो गया बारूद की खोज, यानी बारूद की खोज यानी अग्नेय अस्त्रों का प्रारंभ। और बारूद की खोज के बाद एक चीज़ आपको और बता दें कि युद्ध में टेक्नोलॉजी का भी प्रारंभ बारूद की खोज से हो गया, ठीक है? बारूद की खोज का प्रभाव क्या हुआ? युद्ध में टेक्नोलॉजी का प्रयोग, या बारूद युग के बाद से ही प्रारंभ हुआ। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग भाप युग में। भाप आप लोग सब लोग मालूम है कि जेम्स वाट ने भाप के शक्ति की खोज की एवं जो है भाप से चलने वाले इंजन का निर्माण किया, ठीक है? भाप से चलने वाले इंजन का निर्माण किसने किया? जेम्स वाट नामक एक ब्रिटिश वैज्ञानिक ने, अंग्रेज वैज्ञानिक ने, जिसका परिणाम क्या हुआ?
रेलगाड़ी का निर्माण, रेल इंजन का निर्माण जो है इफी ने किया, जेम्फ वाट ने, जिसका प्रयोग होता था एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में शीघ्रता से गतिशीलता में वृद्धि हुई और थल सेना की गतिशीलता बढ़ गई। कहने का मतलब जो अभी होता था कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक सैनिकों को आक्रमण करने जाने के लिए घोड़ा, बैलगाड़ी, खच्चर और भी बहुत सारे साधनों का प्रयोग करते थे, यहाँ तक कि पैदल भी चले जाते थे। तो ऐसी स्थिति में सेनाओं को तेज़ी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने के लिए जो व्यवस्था की गई वो थी रेलवे का निर्माण। ठीक है, अर्थात युद्ध भूमि में गतिशीलता बढ़ गई। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभी इसके प्रभाव के बारे में आपको बताएंगे। देखिए, रेल इंजन में डिब्बों को जो जोड़ने वाला कार्य, आप देखिए रेल का इंजन होता है, फिर पीछे उसमें 10, 20, 50, 100 डिब्बे भी लगे होते हैं, तो डिब्बों को किसने जोड़ा, वो है जॉर्ज एफ.टी. थॉमसन ने। ठीक है, अब देखिए, भाप के इंजन के आने से सड़क पर चलने वाले बड़े बड़े वाहन, सड़क पर तो उस समय चलने वाले वाहन का निर्माण तो नहीं हो सका था, लेकिन उनका मार्ग जरूर प्रशस्त हुआ था, क्योंकि इंजन बन चुका था। इंजन के आकार को छोटा करना था, छोटा करने के बाद ही उनको हम छोटे छोटे वाहन बना सकते थे, और छोटा करने के लिए ये कोयले से चलने वाला इंजन उपयुक्त नहीं था। लेकिन मार्ग प्रशस्त हुए का मतलब होता है कि कम से कम ये जानकारी अवश्य हो गई कि अब हम लोग जो है इंजन की ताकत से गति हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इनका जो प्रारंभ में प्रयोग हुआ वो रेलवे में, किसका, भाप से चलने वाले इंजन का, रेलवे में हुआ और नौकाओं में, खास करके बड़ी बड़ी नौकाओं में बड़े बड़े जलपोत बनाए गए। ठीक है, बड़े बड़े जलपोत बनाए गए, और जलपोत जो अभी तक मानव चलाते थे, जो हल्के बनाए जाते थे, लकड़ी के बनाए जाते थे, वही चूँकि अब इंजन को चलाना है, भाप की शक्ति को चलाना है, तो उसे जो है पूरा लोहे का जहाज बनाया जाने लगा। ठीक है, और इन्हीं लोहे के जहाज़ों को बनाकर इंजन के द्वारा इनको गति प्रदान की गई, और इनकी छत पर ऊपर तोपों के द्वारा मस्केट लगाकर इन्हीं जलपोतों को युद्धपोत में परिवर्तित किया गया। कहने का मतलब इन्हें तोपों के द्वारा फायर शक्ति प्रदान की गई। ठीक है बच्चों, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जलपोत को, बड़ी बड़ी नौकाएं, युद्धपोत, जलपोत जो समुद्र में दिखाई देते हैं, तो जो इसमें युद्धपोत का जो रूप होता है, युद्धपोत में ऊपर बड़ी बड़ी तोप रखी होती है। आज के समय में तो हम लोग आधुनिक युग में जी रहे हैं, आज के समय में तो तोप, टैंक, मिसाइलें, यहाँ तक कि सब कुछ रख देते हैं उसी पे, हेलीकॉप्टर भी एक आध चढ़ा देते हैं उस पे। लेकिन उस समय क्या होता था, केवल जो है ना, तो हेलीकॉप्टर था, केवल फायर शक्ति के लिए तोप थी और मस्केट थी। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसका प्रभाव हुआ, बड़ी बड़ी लोहे की नौकाओं का निर्माण किया गया, जो आगे चलकर पोत, युद्धपोत, परिवहन पोत, विमानवाहक पोत, पनडुब्बियाँ आदि के रूप में हमारे सामने आई। आदि के रूप में ये सामने इसलिए आई कि आज के समय में तेल जो है, तेल का इंजन बन गया, लेकिन उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे तेल युग और परमाणु युग में। ठीक है बच्चों, लेकिन इससे आने से आगे के मार्ग जो है अपने आप खुलते चले गए, क्यों, सोचने का एक दिशा तो मिला, सोचने की दिशा तो मिली कि हाँ हम इस मार्ग पर चल सकते हैं, इंजन के द्वारा बहुत सारी चीज़ें अब हो सकती हैं। ठीक है, चलो बच्चों, और वर्तमान में आई युद्ध में क्रांति एवं उनके नए रूप बारूद तथा भाप शक्ति की ही देन है। युद्ध में क्रांति अर्थात बारूद ने अग्नेय अस्त्र प्रदान किया और भाप ने गति प्रदान की, इतना दोनों आप लोग याद रखिएगा बच्चों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें जो परिवर्तन क्या हुआ, बारूद युग में परिवर्तन, देखिए पहली बात तो सेनाओं के स्वरूप में परिवर्तन हो गया। कहने का मतलब जो सेनाएं अभी तक जो है भीड़ कर लड़ती थी, भीड़ कर लड़ने वाली होती थी,
ताकतवर होती थी। अब धीरे धीरे जब उनको मफकिर दे दिया गया, बंदूकें दे दिया गया, तो शक्ति का महत्व तो समाप्त हो गया। यानी पराक्रम युग में जहाँ पराक्रम की महानता थी, वहीं अब क्या है, युद्ध में टेक्नोलॉजी का प्रारंभ हो गया। जिसके अच्छे हथियार उसी की विजय निश्चित। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्या करें, सैन्य शक्ति का विस्तार। अब सैन्य शक्ति जो है केवल सैन्य संख्या पर ही निर्भर नहीं रह गई। कहने का मतलब पहले होता था कि जिनकी सेनाएं बड़ी होती थी वही विजेता होता था। आज के समय में जिसके पास टेक्नोलॉजी अच्छी थी, अर्थात जिसके पास हथियारों की संख्या ज़्यादा थी या हथियार अच्छे थे, उनकी विजय निश्चित हो गई। क्योंकि इसमें था भिड़ने की परंपरा तो रही नहीं कि जिसके पास ताकत है, जिसने अभ्यास ज़्यादा किया है तलवार भाले चलाने का, वही जो है विजेता होगा। अब स्थिति ये आ गई, अग्नेयस्त्रों यानी अग्नेय हथियारों का प्रयोग यानी पिस्टल, बंदूकों और तोपों का प्रयोग, तो ये ऐसे अस्त्र होते थे जिनके सामने शारीरिक शक्ति का महत्व जो है लगभग समाप्त हो गया और व्यक्ति जो है टेक्नोलॉजी पे निर्भर हो गया। अर्थात दूर से भी किसी को गोली मार सकते थे, भले ही वो व्यक्ति कितना ताकतवर हो, वो गोलियों से बच नहीं सकता था। बारूद के प्रभाव से, बारूद के घाव से उनकी मृत्यु होना निश्चित था, चाहे व्यक्ति मारने वाला बेहद कमजोर ही क्यों ना हो। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, सैनिक एवं असैनिक संबंध भी मजबूत हो गए। मजबूत क्यों हो गए, अभी तक युद्धरत सेना को तलवार से भाले से लड़ना पड़ता था, अब जो है बंदूकों से लड़ना पड़ रहा है। बंदूकों की स्थिति क्या है, बंदूकों का निर्माण भी कारखानों में करना है, बंदूक अपना जो है, और उसके बाद उसमें हर समय जो है बारूद ख़त्म होगी, गोलियाँ ख़त्म होती रहती हैं, तो फैक्ट्रियों में उनको बनाना ये नागरिकों का काम था। और असैनिक युवक जो होते थे या नागरिक होते थे, जो युद्ध भूमि में बारूद को पहुंचाते थे, गोलियों को पहुंचाते थे, गोलों को पहुंचाते थे तोपों में भरने के लिए, क्योंकि वहाँ युद्ध भूमि में ये सारी चीज़ें खर्च होती है। पहले तलवार और भाले में उसमें कोई खर्च वाली चीज़ नहीं होती थी, केवल शरीर की ताकत खर्च होती थी, पराक्रम खर्च होता था। ठीक है बच्चों, तो अब जहाँ जो है सैनिकों का महत्व युद्ध भूमि में है, तो असैनिकों का महत्व भी सैनिकों के महत्व से किसी तरह कम नहीं रह गया। जैसे आज के ही समय में ले लीजिए, तो टैंक, मिसाइलें कहाँ बनती हैं, सैनिक बनाते हैं क्या उसको, नहीं सैनिक नहीं बनाते, असैनिक बनाते हैं, जो नागरिक बनाते हैं, हमारे इंजीनियर्स बनाते हैं, वैज्ञानिक बनाते हैं ये सब। ठीक है, ये कोई सिपाही लड़ने वाले नहीं हैं, ये सभी देश के अंदर के योद्धा हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए, युद्ध के स्वरूप में परिवर्तन। स्वरूप का मतलब वही है, जैसे पहले पराक्रम का महत्व होता था, अब टेक्नोलॉजी का महत्व है। ठीक है, पराक्रम का महत्व समाप्त हो गया। युद्ध क्षेत्र का विस्तार, युद्ध का स्थान केवल युद्ध भूमि नहीं एवं संपूर्ण राष्ट्र ही युद्ध का क्षेत्र बन गया। अर्थात क्या हुआ, अभी तक था होता था युद्ध के मैदान तक सीमित होता था, वहीं से विजय और पराजय निश्चित हो जाती थी। विजयी राज्य पराजित राज्यों को लूट कर खंडहर बना देते थे। आज की स्थिति क्या है, युद्ध क्षेत्र विस्तृत तो हो गया और युद्ध का स्थान भूमि नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र है, क्योंकि संपूर्ण राष्ट्र जो है युद्ध के उपकरणों का निर्माण करता है, युद्ध के उपकरणों का, युद्ध के सामानों का, फौजियों के सामान का, फौजियों के लिए सारी व्यवस्थाएँ करता है, क्योंकि युद्ध में उसको विजय प्राप्त करना होता है। और इसके लिए ज़रूरी नहीं हर व्यक्ति जो है युद्ध के लिए तैयार, युद्ध में हर व्यक्ति का योगदान होता था, होने लगा। और हथियारों के स्वरूप में परिवर्तन, हथियारों के स्वरूप में परिवर्तन आप देख ही रहे हैं, भाई पहले के तलवार और भाले आज के क्या हैं, अग्नेयस्त्र, बारूद शक्ति से बारूद शक्ति का प्रयोग। ठीक बच्चों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, प्रशिक्षण एवं सैन्य अभ्यास, इसके स्वरूप में परिवर्तन हो गया। जहाँ प्रशिक्षण पहले जो है शारीरिक ताकत और युद्ध कला और अभ्यास के ऊपर निर्भर होता था, जितना अधिक ट्रेनिंग किया जाए, जितना अधिक अभ्यास तलवार चलाने का किया जाए उतना अच्छा है, लेकिन आज की स्थिति क्या है, बंदूक का निशाना अच्छा होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति कितना अच्छा तलवार चलाता हो, कितना ट्रेंड हो, कितना ताकतवर हो, लेकिन दूर से आप बंदूक से मार दीजिए कोई मतलब नहीं होगा, और तुरंत जो है। ठीक है बच्चों, चलिए समर तंत्र में परिवर्तन। समर तंत्र का मतलब होता है
युद्ध कला, समरतंत्र का मतलब होता है युद्ध कला। अब देखिए आगे में क्या देते हैं, शारीरिक शक्ति एवं हस्त युद्ध कला का महत्व समाप्त, शारीरिक शक्ति का भी महत्व समाप्त हो गया, और हाथ की जो कलाकारी जिससे लोग तलवार चलाना भाला चलाना जो हाथ की कलाकारी थी वो भी समाप्त हो गई। और इसके प्रमुख हथियार के रूप में सामने आए आग्नेय अस्त्र, मस्केट, तोप एवं पिस्टल। ठीक है बच्चों, ये पहले के हथियार सामने आए। अब आज के समय में तो हम लोग देखिए पता नहीं कहाँ पे पहुँच आए हैं, परमाणु बम तक, न्यूट्रॉन बम तक पहुँच आए हैं। चलिए आज के हथियारों के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब देखिए उसी तरह हमको इसे पढ़ना है, भाप युग में क्या क्या सैन्य परिवर्तन हुए थे। देखिए बच्चों इसमें पहला जो परिवर्तन हुआ था भाप युग का, हमने इसमें लिखा नहीं है, भाप युग की ही देन थी औद्योगिक क्रांति पहला। ठीक है, चलिए भाप के आने से जो परिवर्तन हुआ है, यातायात के साधनों में वृद्धि, यातायात के साधनों में रेलवे, थल पर चलने के लिए रेलवे, जल में चलने के लिए बड़े बड़े जलपोत, सब इंजन की शक्ति से चलने लगे, भाप की शक्ति से चलने लगे। और इसका परिणाम क्या हुआ, गतिशीलता बढ़ गई और शीघ्र ही सेनाओं को युद्ध के मैदान में पहुँचाना संभव हुआ। ठीक है, साधनों के स्वरूप में परिवर्तन, यानी घोड़े के स्थान पर घोड़े, खच्चर, और जो है ये बैलगाड़ियों के स्थान पर सीधे रेलवे का प्रयोग। ठीक है, जल एवं थल दोनों को युद्ध में, दोनों ही युद्धों में गतिशीलता आ गई। बच्चों इसमें आपको एक चीज़ बताना है जो कि हमने इसमें नहीं लिखा है, औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति चूँकि आप लोग बाद में हम आपको पढ़ाएंगे नेपोलियन बोनापार्ट वाले चैप्टर में, लेकिन इसमें आपको ये बताना है कि औद्योगिक क्रांति जो हुई ये जो है भाप शक्ति की ही देन थी। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ भाप युग में प्रारंभ हुआ, यानी भाप के शक्ति की ही देन थी औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ। औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ, देखिए जहाँ पर पहले व्यक्ति स्वयं कार्य करते थे फैक्ट्रियों में या वैसे भी जो है कंपनियों में, अब क्या हुआ कि संपूर्ण कार्यों का मशीनीकरण हो गया। जो कार्य 100 व्यक्ति करते थे, 200 व्यक्ति करते थे, 300 व्यक्ति करते थे, वही कार्य 1, 2, 3 मशीनें करने लगी, जिसका परिणाम क्या हुआ कि सभी जो है व्यक्ति बेरोजगार हो गए। ठीक है बच्चों, जब बेरोजगार हो गए तो स्थिति यहाँ क्या हो गई, एक तरफ मशीनों द्वारा उत्पादन जो है कई गुना वृद्धि, जब कई गुना किसी के घर में वृद्धि हो जाती है उत्पादन में, जैसे हमारे आपके यहाँ अगर गेहूं चावल भोजन खेती में अगर ज़्यादा पैदा हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, बाकी चीज़ों को अपने यूज का अपने पास रखेंगे, बाकी और सबको बेच देंगे। तो ऐसे ही जब माल का उत्पादन औद्योगिक क्रांति से यूरोपीय राष्ट्रों में ज़्यादा होने लगा तो इन लोगों को बाज़ार की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि यूरोपीय राष्ट्रों में जब हुआ तो हर राष्ट्रों में, यूरोपीय राष्ट्रों में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हो गई, तो वहाँ तो कोई ख़रीदने वाला नहीं था। अब इन लोगों को बाज़ार की ज़रूरत पड़ी, अब बाज़ार में ऐसा बाज़ार जहाँ पर रुपयों की कीमत हो, रुपया जो है ऐसा ना हो कि कागज़ की नोट हो, कागज़ का क्या मतलब है, कोई मतलब उस समय नहीं था। तो ऐसे बाज़ार ये लोग यूरोपीय राष्ट्र जो है ये जहाज़ों पर अपने सामानों को लाद कर ये जो है एशिया और जो है अफ्रीकी कंट्रियों में, यानी एशिया और अफ्रीकी देशों में ये लोग व्यापार के लिए निकल आए। और एशिया में आप लोगों को मालूम ही है अंग्रेज किस प्रकार हमारे देश में आए व्यापार करने के लिए, और व्यापार करते करते यहाँ का सोना चांदी इनको इतना भाग गया कि इन्होंने देश को गुलाम ही बना लिया, और यहाँ पर जो अन्य जो कंपनियाँ आई थी उनको मारकर भगा दिया, और संपूर्ण राष्ट्र पे इन्होंने एक छत्र राज्य स्थापित कर लिया। और यहाँ के संपूर्ण धन आपको सब लोग, बाकी सबको मालूम है संपूर्ण धन को अंग्रेज किस प्रकार यहाँ से लूट कर ले गए, आए थे व्यापारी के रूप में, यहाँ बन गए राजा। उसके बाद हम लोगों की स्थिति क्या थी, जो पहले हम लोग सोने और चांदी के हमारे यहाँ सिक्के होते थे, बाद में हम लोगों की लाइफ उन्होंने गुलाम की स्थिति पैदा कर दी। ठीक है बच्चों, अब इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। ठीक है बच्चों, चलिए पढ़िए, खुश रहिए।